पानी कहाँ से जाएगा भाई? नाला भी है, प्रयास करो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं आप, तो अच्छा थोड़ा महसूस कर रहा नहीं करेंगे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और मैं आपके साथ हूं सोनू। रीवा शहर को महानगर बनाने का बीड़ा जनप्रतिनिधियों ने उठा रखा है, लेकिन इनके दावे कितने सच हैं वह देखना हो तो आज भी बारिश के समय शहर के वार्ड क्रमांक 15 और 25 सतनाम पेट्रोल पंप के सामने देखा जा सकता है कि सच्चाई क्या है। हालांकि पहले ही नगर निगम प्रशासन ने 144 गंदी बस्तियां घोषित कर जनप्रतिनिधियों की हकीकत बयां कर दी है, लेकिन जिस तरह का जीवन जानकी नगर वार्ड क्रमांक 15 और 25 के लोगों के द्वारा काटा जा रहा है वह महानगर बनाने वालों के गाल में जोरदार चाटा है। ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले की दुर्दशा किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। विगत कई वर्षों से यहाँ के लोगों ने शिकायत की, लेकिन जल भराव से राहत नहीं मिल रही है। यह समस्या प्राकृतिक नहीं बल्कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का परिणाम है। स्थानीय लोगों की माने तो वान सागर तलैया का गंदा पानी पूरी बस्ती में घुस रहा है और इस तलैया में पूरे शहर का गंदा पानी एकत्र होता है जो हल्की बारिश होते ही लोगों के घरों में समा जाता है। वर्तमान समय में सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। लोग रात्रि में जागकर रात्रि काट रहे हैं। जहां आवागमन अवरुद्ध है वहीं जहरीले कीड़े घरों में घुस रहे हैं। यहां के रहवासियों की जान आफत में फंसी रहती है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसी गंदे पानी पर अब जल सत्याग्रह करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। मिल रही शिकायतों का जब जायजा लेने हमारी टीम पहुंची तो वहां और हालात बेकाबू हो गए। कई मोहल्ले के लोग आपस में विवाद करना शुरू कर दिए और स्वयं ही गति लेकर नालियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा ने दौरा किया, इसके पहले राजेंद्र शुक्ला ने भूमि पूजन किया, लेकिन आज तक निजात नहीं मिल पाई। आप भी देखिए रीवा महानगर के वार्ड क्रमांक 15 और 25 के हालात और सुनिए स्थानीय लोगों की पीड़ा, किस तरह से महानगर में रहने वाले अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कब से भरा हुआ है? अभी जैसे पानी गिरा जैसे भर रहा पानी। अब ये नाली इसको खुलवाइए ना, इसको खुलवाइए। नगर निगम सूचना दिया है आपने क्या? नगर निगम सूचना नहीं दिया है, लेकिन तो अभी हमारे अभी तक हमारा पानी आ रहा था, लेकिन ये जब से पानी गया तो हमारे तरफ घूम रहा पानी। तो खुलवाओ ना आप, कौन खुलवाएगा? आप क्यों सुगर तोड़ रहे हैं? मकान कहाँ पे आप? मेन रोड में कह रहे हैं कहाँ पे? रीवा हॉस्पिटल के सामने हैं आप? ठीक है, वो वार्ड 25 लगता है। अरे 26 लगे, 23 लगे, गए तेल ले, तो आप यहाँ से निकालोगे तो पानी कहाँ से जाएगा भाई? नाला भी है, प्रयास करो कर रहे हैं ना, कर क्या स्थिति है पानी की? कैसे आप लोगों घरों में पानी भरा, कैसे रात बीती आपकी? रात तो कैसे बीतेगी, सारा सामान डूबा हुआ है, कुछ कर सकते नहीं है। रात भर सही पानी भींगे भींगे डूबी है, कैसे डूबेगी? सूचना दिया नगर निगम को कोई? सुना सूचना 10 साल से दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। रोड की एक साइड नाली बनी हुई है, दूसरी साइड नाली बनी ही नहीं हुई है। बस बोलते हैं कि ठेका हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन पता नहीं कहाँ ठेका हुआ है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कौन पैसे खा गया, कुछ नहीं पता। कारण क्या है ये पानी भरने का? रोड जो मेन रोड हमारी है उसमें एक साइड नाली है, दूसरी साइड नाली है ही नहीं। अगर नाली उस साइड ही बन जाए तो ये सारा पानी उस नाले के तो डाइवर्ट होके सामने ही नाला है मुश्किल से 50 मीटर में,
लेकिन वहीं तक की दिक्कत है, बाकी कोई बहुत लंबा नहीं कि 5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की नाली चाहिए। सिर्फ 50 मीटर में सामने नाला है, आप देख सकते हैं जहाँ वो पेड़ है, लेकिन दिक्कत पानी वहीं तक पहुँचने की। अगर वहाँ तक पानी ठीक से पहुँच जाए तो ये कोई पानी भरेगा नहीं, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। सकरी नालियाँ, दूर से पानी आ रहा है और नालियाँ हैं ही नहीं, यहाँ पे नाली बस है और उस साइड देखो कहीं नाली नहीं है। इस तरह तालाब सामने है, उसको निकालने के लिए पानी से कोई व्यवस्था नहीं है कि वो ओवरफ्लो होगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा। तो किसी 50 मीटर में नाला है, अगर वहाँ से वहाँ तक कुछ हो जाए, सिर्फ 50 मीटर में नाला बन जाए, ये सारी सोल्यूशन जो है सारी समस्या शांत हो जाएगी। पानी भरा हुआ है, निकासी नहीं, क्या व्यवस्था है, क्या कारण है समस्या का? यहाँ पे नगरीय प्रशासन नाकामयाब है पानी निकासी की सुविधा को लेकर। यहाँ पे हम लोग नाला की मांग 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन नाला हमको अभी तक नगरीय प्रशासन ने नहीं दिया है। और अगर यहाँ के पानी की निकासी की सुविधा नगरीय प्रशासन नहीं करता है तो मैं जल सत्याग्रह करूँगा, और मेरे साथ ये पूरी जनता जो खड़ी हुई है ये भी जल सत्याग्रह करेगी। इसलिए से इस ये आपसे निवेदन है कि आप न्याय के चौथे स्तंभ हैं और इस समस्या से हमको समझना। कहाँ कहाँ से पानी आता है, कहाँ कारण क्या है इसका भराव का? ये यहाँ पे पानी आने का जो मुख्य कारण है, ये बाण सागर की तलैया का पानी ये हमारी बस्ती में घुसा हुआ है। ये वार्ड क्रमांक 15 का जानकी नगर है और इस तलैया में वार्ड क्रमांक 26, वार्ड क्रमांक 25 और वार्ड क्रमांक 15 का पानी भरा हुआ है। यहाँ भी कुछ नाला फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब उनके घरों में पानी भरा है? निश्चित रूप से होगी, किसी के घर में अगर पानी घुसेगा तो वो तोड़ फोड़ तो करेगा ही निश्चित रूप से। पानी भर रहा है ये पानी निरंतर 4 साल से लगातार भर रहा है, लेकिन हम लोगों ने 2 साल से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, 1 साल से तो हर महीने हम लोग नगर निगम जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम नगरीय प्रशासन जो है नाकामयाब है पानी निकासी की सुविधा में। यहाँ 26 वार्ड का भी आता है, 25 वार्ड का भी आता है, पूरा ललपा, छतपति नगर, खिरौला कॉलोनी, कोई नाला नहीं है। टैक्स देते हैं आप लोग की नहीं देते नगर निगम को? नहीं, बिना टैक्स तो लेता है नगर निगम। नगर निगम से तो बोले नहीं पार्षद महापौर से कि हम टैक्स देते हैं, सुविधा शुल्क देते हैं, फिर ये हम लोग सब आदमी से बोल चुके, कोई सुनने वाला नहीं है, और आदमी फोन भी किया कोई आया भी। अभी चुनाव हुआ, महापौर वोट मांगने आए होंगे, पार्षद भी आए होंगे, बताया था आपने समस्या? मगर वोट लेने आते हैं, काम देखने नहीं आते, जो पब्लिक यहाँ मर रही है, परेशान है, कोई देखने नहीं आता। कितनी बस्ती ये ऐसे ही रहा है पानी के बीचों में रह रहे हैं? यहाँ तो हम लोग खुद ही परेशान है, कम से कम 500 आदमी घर बने हुए हैं यहाँ पर, सब परेशान है, पीछे वाली पूरी गली एकदम पानी से पैक है। नाम मुस्कान, क्या स्थिति है ये पानी की? पानी साहब घरों में घुसा हुआ है। कब से? बस जैसी बात थोड़ा सा बारिश होती, नाला आला कोई बना नहीं, नाली इसलिए घरों में पानी घुस जाता है। छतपति नगर का इसका पार्षद कौन है आपके? पार्षद अभी तो पार्षद साबित पार्षद हुए इस साल, तो बताया उनसे आप? हाँ तो कल वो आए थे देखने तो कहीं करेंगे प्रयास, आज पानी इतना ज्यादा हो गया है अभी हमने तो क्या बताया। देखा आपने किस तरह से महानगर में लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और यह परेशानी चाहे नेहरू नगर का वार्ड नंबर 13 हो, कमसरियत मोहल्ला हो, निराल नगर बस्ती हो, धोबिया टंकी हो, हर जगह यही हालात बने हुए हैं। इन्हीं हालातों को लेकर आइए आपको सुनाते हैं रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा और नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा का क्या कहना है। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ भैया, ये वार्ड नंबर 15 और 25 है जो सतनाम टंकी के पास है, कल आप भ्रमण भी किए थे, वहाँ घरों में पानी भरा है, वो अभी की समस्या नहीं, करीब 10-15 साल से समस्या है, नाली रोड वहाँ विवाद की स्थिति है। वो 1 साल विवाद की स्थिति कोई नहीं है, मैं कल घूम आया हूँ वहाँ, अभी मैं यहीं पे हूँ, पानी भरा हुआ है, लोग अपने से गैती कुदाड़ी लेके सड़क खोद रहे हैं नाली, और लोग दूसरे लोग रोक रहे हैं कि भैया हमारे घर में भरेगा, 25 का पानी 15 तक भरा हुआ है सतनाम टंकी के सामने से। उसमें बड़ी झंझट है लोग पांडे जी, उसमें बड़ी झंझट है जी, उसमें क्या है वो पोखरी भरी हुई है, हाँ तलैया पोखरी भरी हुई है, और पोखरी का पानी ओवरफ्लो हो गया है जी, और वो जानते हैं चार तरफ से घुस रहा है पूरे मोहल्ले में चार तरफ से, तो कुछ स्थानीय निदान उसका स्थानीय ये है कि 1.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना था जी, वहां से लेकर फूलमती मंदिर तक नाले का जी, तो वो शासन से मंजूर ही नहीं हुआ जी, इन लोगों ने मंजूर कराया था, भेजा था है, अब क्या है अपन को तो अभी 20 दिन हुए ही आए जी भाई, 1 तारीख को शपथ लिए, 3 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक किए जी
हैं और बार, अपनी 12 तारीख को एमआईसी करके जी जो जो निर्णय कर सकते थे कर दिए। तो यहाँ पे लोगों को आशा है कुछ की कुछ निर्णय होगा, कुछ इनको स्थायी निदान मिले। वो हम कल बता दिए हैं कि आप ये सीजन तो झेल लीजिए किसी तरह जी, अगले सीजन में आपको ये समस्या का समाधान करके देगा। सर तो थोड़ा सा कुछ अगर जैसी भी है कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आप कल लगे थे सर। रामानंद क्या है समस्या इस चीज की है कि पानी वो इतना अधिक है कोई निकल ही नहीं सकता। पानी वो जानते हैं अभी उसको नाट तोड़ दें आप तो पूरे पूरे सबके घरों में घुस जाएगा। घुसा ही हुआ अभी रात में 25 और 24 में तो पूरा हम लोग घुटने के भर के पानी। अरे भाई अभी आपको नहीं मालूम वहां पर तो दो लोगों का घर ऐसा है कि उनके घर में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। हाँ मैं खड़ा था ना मैं देखा ना। हाँ मैं अच्छा वो बताए होंगे कि कल मैं आया था। बताए कि महापौर जी ने भ्रमण किया है और हम तो हमको तो जो बुलाते आपको ताज्जुब मानोगे मैं रात को 2 बजे तक फोन उठाता हूँ इस समय। तो इसीलिए तो आशा भी है लोगों को तो अभी तो बताया है कि अभी तक नहीं हुआ है। तो ये माना जाए कि मतलब अगले बरसात तक इनको मिल जाएगा राहत मिलेगी। अगले बरसात तक इनको राहत पूरी तरह से मिल जाएगी, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसा बनाऊंगा क्योंकि ये जो समस्या है ना ये मेरे से खुद ही नहीं देखी गई। बिल्कुल हाँ ये मतलब कष्टदायक समस्या है जी जी भाई। क्या है देखिए कि घर बन गए लोगों के। अच्छा पहले जानते हो क्या था ये केडी सिंह लोगों का हॉस्पिटल बना नहीं था जी जी। ये सब मैदान था तो फैलाव ले लेता था पानी। वो तो ये कहिए कि वहाँ पर पीछे 7-8 लोगों के प्लाट हैं जी, नहीं तो लोगों के घरों में घुस जाता पानी। हाँ वो प्लाटों में पानी भरा है और प्लाट के कारण से वहाँ रुका हुआ है कि बिल्कुल वो तालाब जैसे बने हैं बस्ती के बीच में जो खाली प्लाट है। वो ये अगले सीजन में दिक्कत खत्म हो जाएगी ठीक क्योंकि वो अपने टारगेट में आ गया ना अब। अच्छा उसके वो नाला बनने से वो पीछे 25 नंबर के जो पीछे से पानी आता है पोखरी का वो भी निकल जाएगा जी जी। हाँ ठीक 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 भाई साहब प्रणाम। रामानंद पांडे बोल रहे हूँ। हाँ भाई साहब आदेश। आदेश नहीं भाई साहब, समस्या है बाढ़ में, बाढ़ नंबर 15 और 25 जी। ये आपका बाढ़ सागर कॉलोनी से लगे हुए घरों में लोगों के पानी भरा हुआ है, छोटी सी बारिश हुई है तो, और आपके महापौर जी भी भ्रमण किए, अधिकारी भ्रमण किए और ये पहली समस्या नहीं, विगत 10 साल से लोगों घरों में पानी भर रहा है इतनी बारिश में जी जी जी। तो कुछ प्रयास होगा नेता प्रतिपक्ष के नाते? निश्चित तौर पे टीमें लगी हुई हैं और पूरा प्रयास जारी है। जेसीबी भी रवाना हो चुकी है और लगभग पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो जारी हो चुकी है। लोग अपने से औजार लेके नालियां फोड़ रहे तो नुकसान ही होगा ना, अगर नगर निगम नहीं करता। पुरानी नाली तोड़ रहे लोग, सड़कों को तोड़ रहे क्योंकि उनके घरों में पानी भरा है। अब कहीं पे व्यवस्था इस तरह की होगी तो मैं बात करता हूँ, अगर कहीं का वो हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। वार्ड नंबर 15 है सतनाम। निवेदन पांडे जी, निवेदन ये कि इतना बड़ा बाढ़ है वो जी, कि अगर अधिकारियों को 15 नंबर बोलेंगे तो वो शाम तक ढूंढते रह जाएंगे। 15 नंबर टंकी के जैसे सामने से रास्ता जाती है जहाँ वो बाण सागर तालाब की तलैया है उसके पानी भरा है, जो 25 और 15 की दोनों की समस्या है। एक सेकंड में नोट कर लूं, फिर आप फिर शिकायत करेंगे कि आपसे आदेश किया था आपको उसके बाद भी ये नहीं, नहीं आदेश नहीं, अपन जनता की बात आप तक पहुंचाएंगे, निवेदन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, निवेदन ये बड़ा भाई अगर फोन करता है तो मेरे लिए आदेश होता है। हाँ कहाँ पे? सतनाम पेट्रोल टंकी। सतनाम पेट्रोल टंकी जहाँ फ्लाईओवर खत्म होता है उसके अंदर रास्ता जाती है टंकी, फ्लाईओवर के जहाँ समाप्त होती वहीं से अंदर रास्ता जाती है। ये वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 15 वार्ड 25 और 15 जी, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरी रात लोगों के घरों में पानी भरा रहा है, अभी तक लोग फोड़ रहे हैं, विवाद की स्थिति भी है, मैं मौके पर हूँ। निवेदन ये कि अगर उसके वहाँ पे किसी का मोबाइल नंबर या कुछ मिल जाता तो मैं तत्काल उनको बोलता तो आपसे संपर्क करूँ। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, नंबर जी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।